Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, S.S. Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time, I am going to discuss with you a theory of creativity. Earlier to this, we have discussed the history of creativity, the measurement of creativity, Baker-Mellis test of creativity to assess creativity. And this time, I am going to discuss with you a theory of creativity. It is first theory of creativity on my channel, and this is theory of giftedness of creativity. So let's start. बात होगी सिद्धांत की कि रचनात्मकता सृजनात्मकता के सिद्धांत की अगर बात करें तो giftedness को creativity से जोड़ा गया है. giftedness मतलब जैसे कहते हैं ना कि वो gifted है, मतलब उसके उसके पास कोई ऐसा ईश्वरीय कुछ ऐसा है कि वो जो काम करता है बढ़िया करता है, अलग करता है, ऐसे हम लोग बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं. तो giftedness को क्रिएटिविटी से कब जोड़ा गया? टर्मेन ने 1916 में फर्स्ट यूज इंटेलिजेंस टेस्ट टू आइडेंटिफाई गिफ्टेड स्कूल चिल्ड्रेन. उन्होंने टर्मेन साहब ने 1916 में बुद्धिमत्ता के परीक्षणों का प्रयोग किया ये जांचने के लिए कि जो विद्यालयी बच्चे हैं उनमें कितने गिफ्टेड हैं. मतलब उसके लिए उन्होंने इंटेलिजेंस टेस्टिंग का यूज किया. अनदर की पायनियर इन द एरिया ऑफ क्रिएटिव गिफ्टेडनेस वाज ई पॉल टॉरेंस. हम लोग जानते हैं टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी की बात करते हैं TTCT, और टॉरेंस का बहुत नाम और काम है क्रिएटिविटी पे. उन्होंने भी क्रिएटिव गिफ्टेडनेस की बात की थी. Perhaps his most important contributions were the many tests that bear his name. और उनका सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान है सृजनात्मकता के क्षेत्र में वो यही है कि बहुत सारे टेस्ट इन्होंने बनाए हैं. They are still the primary methods by which creativity is assessed. और आज तक वही primary methods के रूप में इस्तेमाल होता है जिससे कि creativity का आकलन किया जाता है. और हमारे यहाँ जो क्रिएटिविटी के टेस्ट बने हैं, और यू कैन से कि पूरे विश्व भर में जो क्रिएटिविटी के टेस्ट बने हैं वो टॉरेंस के टेस्ट का ही अडेप्टेशन करके बनाए गए हैं जनरली. The Marland Report 1972 was most likely the first official document explicitly including creativity as an integral part of giftedness. और अगर देखा जाए तो मार्लैंड की रिपोर्ट आई थी 1972 में, और वो कह रही है कि एक पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था जो ये बता रहा है कि क्रिएटिविटी जो है वो गिफ्टेडनेस का एक इंटीग्रल पार्ट है. मतलब कहने का कि अगर आप गिफ्टेडनेस आपके पास है या आप गिफ्टेड हैं तो क्रिएटिविटी आपके पास होनी चाहिए. डिस्पाइट इट्स लिमिटेशंस द रिपोर्ट प्रूव्ड अ क्रूशियल मोमेंट फॉर एक्सपेंडिंग कंसेप्शंस ऑफ गिफ्टेडनेस टू इंक्लूड क्रिएटिविटी. और इसकी कमियों के बावजूद ये रिपोर्ट एक ये बताती है, ये सिद्ध करती है कि गिफ्टेडनेस के कंसेप्शन का एक्सपेंशन के लिए, यानी कि अगर हम गिफ्टेडनेस का कंसेप्ट बताना चाहें तो आपको क्रिएटिविटी को इंक्लूड करना होगा. मतलब गिफ्टेडनेस से क्रिएटिविटी जुड़ी है. फिर और अगर बात करें इसकी तो एट द कंजर्वेटिव एंड ऑफ द कंटिन्यूम इज टर्मेन्स डेफिनेशन ऑफ गिफ्टेडनेस. टर्मेन ने 1926 में गिफ्टेडनेस की डेफिनेशन दी कि द टॉप 1% लेवल इन जनरल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इज मेजर्ड बाय द स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल और ए कंपेरेबल इंस्ट्रूमेंट. ये कह रहे हैं कि किसको आप गिफ्टेड कहेंगे, कौन इंडिविजुअल्स गिफ्टेड कहलाएंगे, जिनको कि अगर स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट से आप उनका इंटेलिजेंस निकालिए या किसी कंपेरेबल इंस्ट्रूमेंट यानी कि उसकी तुलना का कोई इंस्ट्रूमेंट टूल आप लें और उससे उसकी इंटेलिजेंस निकालें तो जो टॉप 1% के इंडिविजुअल आएंगे उनको आप गिफ्टेड कह सकते हैं. इन या कहेंगे In this definition, restrictiveness is present in terms of both the types of performance specified, that is how well one scores on an intelligence test and the level of performance one must attain to be considered gifted. मतलब कह रहे हैं कि ये थोड़ी सी मतलब conservative या restrictive type की definition टर्मन ने बताई. फिर at the other end of the continuum, दूसरा जो continuum का जो दूसरा हिस्सा है उस पर liberal definitions भी हमको मिलती हैं, जैसा कि विटी ने बताया. विटी ने क्या कहा कि there are children whose outstanding potentialities in, अब ये liberal डेफिनेशन है, देखिए बहुत सारी चीजों को अपने अंदर कवर कर रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग पोटेंशियलिटी हो अगर बच्चों में, जैसे कि आर्ट में, राइटिंग में, सोशल लीडरशिप में, और वो कैन बी रिकॉग्नाइज लार्जली बाय देयर परफॉर्मेंस. मतलब किसी को ऐसा ना हो कि बताना पड़े कि ये देखो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एकदम अलग से दिखाई दे उसकी पोटेंशियलिटी राइटिंग में, सोशल लीडरशिप में, आर्ट में, अलग से उसकी परफॉर्मेंस रिकॉग्नाइज की जा सके, वो बच्चे वो इंडिविजुअल को आप कह सकते हैं गिफ्टेड. हेंस वी हैव रिकमेंडेड that the definition of giftedness be expanded and that we consider any child gifted whose performance in a potentially valuable line of human activities consistently remarkable. इसलिए वो कह रहे हैं कि giftedness की हम इस तरह से definition दे सकते हैं कि हर उस child को आप gifted कहेंगे जिसका की performance potentially valuable line of human activity, यानी कि human activity का कोई भी ऐसा काम वो करे
वैल्यूएबल हो, जिसमें उसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली रिमार्केबल हो. ऐसा नहीं है कि आज बहुत अच्छा किया और कल नहीं किया, फिर नहीं किया, ऐसे नहीं. जो भी एरिया है उसका, उसमें वैल्यूएबल लाइन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी होनी चाहिए. पहली बात कि कोई एक वो मूल्यवान काम कर रहा हो. कोई कहते हैं ना, क्रिएटिविटी की डेफिनेशन में आता है कि सोशली यूजफुल वो प्रोडक्ट में, प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो और कंसिस्टेंटली रिमार्केबल अगर परफॉर्मेंस कर रहा है तो आप उसको गिफ्टेड कहेंगे. ये इसकी एक लिबरल डेफिनेशन है. जबकि जो रिस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन वो बता रहे हैं कि स्टैनफर्ड बिने टेस्ट या इसके समकक्ष कोई आप टूल लें तो उसमें जो टॉप 1% के इंडिविजुअल्स होंगे वो गिफ्टेड कहलाएंगे. तो ये एक गिफ्टेडनेस का कंसेप्ट. अब आते हैं हम उस पे जो आपकी थ्योरी है क्रिएटिविटी की, गिफ्टेडनेस की. वो कह रहे हैं कि थ्री रिंग मॉडल एंड क्रिएटिविटी, यानी कि ये थ्योरी कह रही है कि जो गिफ्टेडनेस है वो थ्री रिंग मॉडल से, मतलब तीन रिंग का मॉडल है और क्रिएटिविटी भी इसका एक पार्ट है. तो कौन है वो, या कौन थे वो जिन्होंने इसके बारे में बताया? रेंजुली. रेंजुली वॉज वन ऑफ द फर्स्ट रिसर्चर्स. ये नाम है, किसी भी तरीके से लिया जा सकता है. टू इम्फेसाइज क्रिएटिविटी इन ए टेस्टेबल थियरी ऑफ गिफ्टेडनेस. इन्होंने हमको एक थ्योरी ऑफ गिफ्टेडनेस क्रिएटिविटी के लिए बताया है. ही प्रपोज दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ गिफ्टेडनेस. और ये दो तरीके की गिफ्टेडनेस की बात कर रहे हैं. एक तो वो कह रहे हैं कि एक गिफ्टेडनेस होती है जो स्कूल हाउस गिफ्टेडनेस है और दूसरी क्रिएटिव गिफ्टेडनेस है. अब स्कूल हाउस गिफ्टेडनेस कैसी है, क्या है? नाम ही कह रहा है कि वो गिफ्टेडनेस, वो आपके अंदर ईश्वरीय गुण, गिफ्टेडनेस का गुण इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज टेस्ट टेकिंग और लेसन लर्निंग गिफ्टेडनेस. इट इज द फॉर्म ऑफ गिफ्टेडनेस मोस्ट ऑफन एम्फसाइज्ड इन स्कूल. मतलब स्कूल हाउस गिफ्टेडनेस का मतलब है कि आप जैसे इंडिविजुअल है, हमेशा कोई भी आप उसका टेस्ट ले लीजिए, उसमें टॉप करेगा, उसके हमेशा अच्छे नंबर आएंगे. कोई भी पार्ट आप उसको पढ़ाएंगे वो फटाक से सीख जाएगा, बहुत जल्दी समझ जाएगा, एकदम बढ़िया रहेगा. तो इस तरीके की गिफ्टेडनेस को स्कूल हाउस गिफ्टेडनेस कहा गया और ये विद्यालयों में ज्यादा इंफेसाइज की जाती है. फिर क्रिएटिव प्रोडक्टिव गिफ्टेडनेस क्या है? रिफर्स टू एन अनयूजुअल एप्टीट्यूड फॉर जनरेशन. यानी कि हमारा एप्टीट्यूड ही कुछ अलग है. इन अदर वर्ड्स, दोज हु डिस्प्ले क्रिएटिव प्रोडक्टिव गिफ्टेडनेस आर एक्सीलेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ नॉलेज, व्हाइल दोज हाई इन स्कूल हाउस गिफ्टेडनेस आर सुपीरियर कंज्यूमर्स ऑफ नॉलेज. ये देखिए बहुत बढ़िया ये एक पॉइंट है. ये कह रहे हैं कि स्कूल हाउस गिफ्टेडनेस तो वो है जहाँ पे स्कूल में आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, टेस्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेसन आप जल्दी सीख जाते हैं, तो स्कूल हाउस गिफ्टेडनेस. बट क्रिएटिव प्रोडक्टिव गिफ्टेडनेस का मतलब कि आप कोई अनयूजुअल एप्टीट्यूड है आपके पास, आप बहुत बढ़िया कुछ करते हैं, एकदम से कुछ अलग कर रहे हैं. तो वो कह रहे हैं कि जो क्रिएटिव प्रोडक्टिव गिफ्टेडनेस के इंडिविजुअल्स हैं वो एक्सीलेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ नॉलेज हैं, यानी कि हम ज्ञान का उत्पादन कर रहे हैं. जबकि स्कूल हाउस गिफ्टेडनेस जो है वो सुपीरियर कंज्यूमर्स ऑफ नॉलेज है, यानी कि नॉलेज ऑलरेडी है, हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से. तो रेंजुली कहते हैं 2005 में इन्होंने कहा, हिस्ट्री टेल्स अस इट हैज बीन द क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव पीपल ऑफ द वर्ल्ड दैट प्रोड्यूसर्स द प्रोड्यूसर्स रादर देन कंज्यूमर्स ऑफ नॉलेज द रिकंस्ट्रक्शनिस्ट्स ऑफ थॉट इन ऑल एरियाज ऑफ ह्यूमन एंडेवर हु हैव बिकम रिकॉग्नाइज्ड एज ट्रूली गिफ्टेड इंडिविजुअल्स. History does not remember persons who merely scored well on IQ test. वो कह रहे हैं कि इतिहास उन लोगों को नहीं याद रखता है जो सिर्फ IQ test पे बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो, बल्कि इतिहास बताता है कि creative और productive people of the world जो हैं, उनसे ही मतलब वो इतिहास के पन्नों में उनका नाम लिख दिया जाता है और वो होते हैं जो कि producers होते हैं, ना कि consumers होते हैं knowledge के, और वो all areas of human endeavor में बहुत बढ़िया करते हैं. ठीक है, अब आपका आ रहा है ये मॉडल. क्या है ये मॉडल? रिसर्च ऑन क्रिएटिव प्रोडक्टिव पीपल हैज कंसिस्टेंटली शोन दैट ऑल्दो नो सिंगल क्राइटेरिया कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन गिफ्टेडनेस, पर्संस हु हैव अचीव्ड रिकॉग्निशन बिकॉज ऑफ देयर यूनिक अकॉम्प्लिशमेंट्स एंड क्रिएटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस पजेस अ रिलेटिवली वेल डिफाइंड सेट ऑफ थ्री इंटरलॉकिंग क्लस्टर्स ऑफ ट्रेट्स. ये कह रहे हैं कि गिफ्टेडनेस की डेफिनेशन को इन्होंने इस तरीके से दी कि तीन सेट होने चाहिए, तीन इंटरलॉकिंग क्लस्टर्स ऑफ ट्रेट्स. ट्रेट्स माने आप गुण के रूप में समझ सकते हैं. तीन गुणों का सेट अगर इंडिविजुअल के पास होगा तो वो क्रिएटिव होगा. कैसे? तो वो गिफ्टेड होगा. क्या क्या होना चाहिए उसके पास? सबसे पहली बात, दीज क्लस्टर्स कंसिस्ट ऑफ अबव एवरेज दो नॉट नेसेसरीली सुपीरियर एबिलिटी. इस सुपीरियर के बाद कॉमा नहीं लगना था. अबव एवरेज एबिलिटी यानी कि योग्यता हो जो अबव एवरेज हो, पहली बात. टास्क कमिटमेंट कितना जरूरी है. देखिए हम लोग बहुत अच्छा काम शुरू करते हैं, फिर उसके बाद हम कमिटमेंट नहीं होता है हमारे अंदर, फिर हम उसको छोड़ देते हैं, फिर टालते रहते हैं और अंततः हम उसको इस दशा में लेके चले जाते हैं कि अब हमारे करने से भी नहीं होगा और हम उसको छोड़ देते हैं. तो कमिटमेंट जरूरी. एबिलिटी,
एबव एवरेज, यानी कि एवरेज से कुछ ऊंची आपकी योग्यता हो, टास्क के प्रति आप कमिटमेंट आप में हो, और क्रिएटिविटी अगर आप में है तो आप इसके इंटरलॉकिंग क्लस्टर से गिफ्टेडनेस का उत्पादन हो जाएगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू पॉइंट आउट दैट नो सिंगल क्लस्टर मेक्स गिफ्टेडनेस। वो कह रहे हैं सिर्फ क्रिएटिव गिफ्टेड नहीं होगा, सिर्फ कमिटमेंट से गिफ्टेडनेस नहीं आएगी, सिर्फ वेल सुपीरियर एबिलिटी से गिफ्टेडनेस नहीं आएगी, बल्कि इनके इंटरेक्शन से आएगी। रादर इट इज द इंटरेक्शन अमंग द थ्री क्लस्टर्स दैट रिसर्च हैज शोन टू बी द नेसेसरी इंग्रेडिएंट फॉर क्रिएटिव प्रोडक्टिव अकॉम्प्लिशमेंट। और ये स्कूल हाउस गिफ्टेडनेस को उतना महत्व नहीं दे रहे, कह रहे हैं वो तो कंज्यूमर्स ऑफ नॉलेज हैं, प्रोड्यूसर्स ऑफ नॉलेज से के नाम इतिहास में दर्ज होते हैं। तो क्रिएटिव प्रोडक्टिव अकॉम्प्लिशमेंट के लिए इन तीनों क्लस्टर्स के बीच का इंटरेक्शन जरूरी है। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू पॉइंट आउट दैट ईच क्लस्टर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द डिस्प्ले ऑफ गिफ्टेड बिहेवियर। वो कह रहे हैं कि हर क्लस्टर अपना रोल प्ले कर रहा है। दिस पॉइंट इज एम्फसाइज बिकॉज वन ऑफ द मेजर एरर्स that continue to be made in identification procedures is to overemphasize superior abilities at the expense of the other two clusters of traits. वो कह रहे हैं कि ज्यादातर लोगों ने जो creativity की definition दी है, theory दी है, वो ability पे ज्यादा महत्व करते हैं, महत्व देते हैं, task commitment और creativity पे थोड़ा कम देते हैं। बट इनका कहना था कि आपके लिए तीनों जरूरी हैं, well above average ability भी होना चाहिए, task commitment भी होना चाहिए और creativity भी होना चाहिए gifted होने के लिए। तो ये है इसका आर्ट डायग्राम, इससे आप बेहतर समझ सकते हैं। ये रेंजुलीज थ्री रिंग कंसेप्शन ऑफ गिफ्टेडनेस है। ये देखिए, ये रिंग अबव एवरेज एबिलिटी की है, द टॉप 15-20% विद इन एनी डोमेन। फिर ये रिंग जो है वो क्रिएटिविटी की है, एंड इंडिविजुअल्स ओरिजिनल एंड इंटरेस्टिंग थिंकिंग, क्यूरियोसिटी, विलिंगनेस टू टेक रिस्क एंड ओपननेस टू न्यू आइडियाज। यानी कि हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम बिना टेस्ट एडमिनिस्टर किए समझ सकते हैं कि हम क्रिएटिव हैं कि नहीं, कि आपका क्या कुछ ओरिजिनल सोचते हैं, क्या कुछ रोचक सोचते हैं आप में क्या कुछ जागरूकता है, क्यूरियोसिटी है कि कुछ जाने, आप क्या रिस्क लेने के लिए आप इच्छुक रहते हैं, या नए विचारों को सुनने के लिए, अपनाने के लिए ओपननेस अगर आप में है तो आप कह सकते हैं कि आप कुछ हद तक क्रिएटिव हैं। और टास्क कमिटमेंट एंड इंडिविजुअल्स फोकस, हम कितने फोकस्ड हैं अपने काम को लेके, परसिवरेंस कितना है हमारे अंदर, हम कितने डेडिकेटेड हैं, मतलब कितने मतलब डेडिकेटेड है ना, लगे हुए हैं। फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस कि हम ये काम कर सकते हैं, एबिलिटी टू कैरी आउट वर्क, और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हो और एबिलिटी भी हो, तो यहाँ से आएगा टास्क कमिटमेंट। तो ये अबव एवरेज एबिलिटी, क्रिएटिविटी और टास्क कमिटमेंट जब आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो गिफ्टेड बिहेवियर का जन्म होता है। ये हमने कॉफमैन एंड स्टर्नबर्ग से लिया है, और यहाँ पे फिर वही कोट किया गया है कि रेंजुली ने 2005 में कहा कि हिस्ट्री डज नॉट रिमेंबर पर्सन हु मियरली स्कोर्ड वेल ऑन आईक्यू टेस्ट। हमको सिर्फ आईक्यू टेस्ट पे बढ़िया करने वाले इंडिविजुअल नहीं चाहिए, उनसे कोई नई चीज इतना निकल के नहीं आएगी, बिकॉज दे आर ओनली कंज्यूमर्स ऑफ नॉलेज। और हमको क्या चाहिए, हमको प्रोड्यूसर्स ऑफ नॉलेज चाहिए कुछ नया करने के लिए। तो अब यही तीनों जान लीजिए कि वेल अबव एवरेज एबिलिटी और टास्क कमिटमेंट और क्रिएटिविटी। तो जो वेल अबव एवरेज एबिलिटी है उसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं, जनरल एबिलिटी और स्पेशल स्पेसिफिक एबिलिटी। तो जो जनरल एबिलिटी है उसका मतलब है, जनरल एबिलिटी कंसिस्ट्स ऑफ द कैपेसिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन, टू इंटीग्रेट एक्सपीरियंसेस दैट रिजल्ट इन एप्रोप्रिएट एंड अडैप्टिव रिस्पॉन्सेज इन न्यू सिचुएशंस, एंड द कैपेसिटी टू इंगेज इन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ये जनरल एबिलिटी है, जैसे कि आप में वर्बल और न्यूमेरिकल रीजनिंग कितना बढ़िया कर पाते हैं, स्पेशल रिलेशंस मेमोरी आपकी कैसी है, वर्ड फ्लुएंसी कितनी है आपकी, है ना। दीज एबिलिटीज आर यूजुअली मेजर्ड बाय टेस्ट्स ऑफ जनरल एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस। हम लोगों ने पढ़ा ही है कि इंटेलिजेंस टेस्टिंग में यही नापा जाता है, एंड आर ब्रॉडली एप्लीकेबल टू ए वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल लर्निंग सिचुएशंस। ये तो बात हुई जनरल एबिलिटी की। स्पेसिफिक एबिलिटी क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ द कैपेसिटी टू एक्वायर नॉलेज स्किल और द एबिलिटी टू परफॉर्म इन वन और मोर एक्टिविटीज of a specialized kind and within a restricted range. These abilities are defined in a manner that represents the ways in which human beings express themselves in real life, like that is non-test situations. जैसे कि specific ability हो सकती है, मतलब general ability कि आप ये aptitude और intelligence test से निकाली जाएगी कि आप में numerical ability कितनी है, word fluency कितनी है, इस तरीके की बातें। और जो specific ability है उसका मतलब है कि हम कोई विशेष ज्ञान कौशल या योग्यता को करने की क्षमता अगर हमें है तो वो specific ability है। जैसे कि examples of specific abilities are chemistry, ballet, mathematics, musical composition, sculpture, photography, इस तरीके का। या each specific ability can be further subdivided into even more specific areas, जैसे a
फोटोग्राफी में भी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी आप कैसा खींचते हैं, एस्ट्रो फोटोग्राफी कैसा कर रहे हैं, फोटो जर्नलिज्म, नए नए शब्द. फिर स्पेसिफिक एबिलिटीज इन सर्टेन एरियाज सच एज मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद जनरल एबिलिटी एंड देयरफॉर सम इंडिकेशन ऑफ पोटेंशियल इन दीज एरियाज कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम टेस्ट्स ऑफ जनरल एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस. मतलब एबिलिटी का मोर और लेस इंटेलिजेंस से लेना देना है. अब आई बात टास्क कमिटमेंट की. एक सेकेंड क्लस्टर ऑफ ट्रेड्स दैट कंसिस्टेंटली हैज बीन फाउंड इन क्रिएटिव प्रोडक्टिव पर्संस इज अ रिफाइंड और फोकस्ड फॉर्म ऑफ मोटिवेशन नोन एज टास्क कमिटमेंट. आप कह सकते हैं कि जो टास्क कमिटमेंट है वो एक तरीके से मोटिवेशन का एक फॉर्म है कि हम मोटिवेटेड हैं, हम कमिटेड हैं कि जो काम हमने शुरू किया है उस काम को हम खत्म करेंगे. वेयर एज मोटिवेशन इज यूजली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अ जनरल energizing process that triggers responses in organisms, task commitment represents energy brought to bear on a particular problem or specific performance area. देखिए, अगर आप task के लिए committed हैं तो आपको energy भी अपने साथ रखते हैं कि हाँ, self-confidence भी है और वो energy और ability भी है कि हम उस काम को पूरा कर सकते हैं. The terms that are most frequently used to describe task commitment are perseverance, कितने लगातार तरीके से आप उसको कर रहे हैं, एंड्योरेंस, कितनी सहनशीलता है आप में, कितना कठिन परिश्रम कर सकते हैं आप, कितने डेडिकेटेड हैं आप में, सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, एंड ए बिलीफ इन वन्स एबिलिटी टू कैरी आउट इंपॉर्टेंट वर्क. इन एडिशन टू परसेप्टिवनेस एंड ए बेटर सेंस फॉर आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स, रिसर्च ऑन पर्सन्स ऑफ अनयूजुअल अकॉम्प्लिशमेंट हैज कंसिस्टेंटली शोन दैट अ स्पेशल फैसिनेशन फॉर एंड इन्वॉल्वमेंट विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ वन्स चूज़न फील्ड आर द ऑलमोस्ट इनवेरिएबल प्रिकर्सर्स ऑफ ओरिजिनल एंड डिस्टिंक्टिव. क्या कह रहे हैं ये? कह रहे हैं कि फैसिनेशन होना चाहिए काम को लेके. जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपका कोई भी ऐसा फील्ड है, आजकल क्रिकेट की बात चल रही है तो क्रिकेट है, आप कितने कमिटेड हैं आप में, अगर आप एकदम जी जान जिंदगी आपकी क्रिकेट है तो कितनी भी दिक्कतें आएंगी, कितनी भी मुसीबतें आएंगी, आपके पास पैसा नहीं होगा, खाने को नहीं होगा, रहने को नहीं होगा, बट आप उसके लिए करेंगे, आप इतने उस हद तक उसके लिए कमिटेड है. कहने का मतलब कि आपके लिए वो फील्ड फैसिनेशन होना चाहिए उसके लिए. वो क्रिकेट हो सकता है, वो एक्टिंग हो सकती है, वो फोटोग्राफी हो सकती है, इवन पढ़ाई लिखाई हो सकती है, जिसके लिए जनरली लोग फैसिनेशन नहीं रखते हैं आजकल. और इस तरीके की कोई भी फील्ड, उसके प्रति आपके अंदर फैसिनेशन होगा तो आप ज़रूर उसके लिए कमिटेड होंगे. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज क्रिएटिविटी. द थर्ड क्लस्टर ऑफ ट्रेड्स दैट कैरेक्टराइजेस गिफ्टेड पर्संस कंसिस्ट्स ऑफ फैक्टर्स यूजुअली लम्प्ड टुगेदर अंडर द जनरल हेडिंग ऑफ क्रिएटिविटी. तो एज वन रिव्यूज द लिटरेचर इन दिस एरिया, इट बिकम्स रेडिली अपेरेंट दैट द वर्ड्स गिफ्ट क्रिएटिविटी के समकक्ष कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं. जैसे गिफ्टेड हो गया, गिफ्टेड को भी कर देते हैं क्रिएटिविटी के लिए यूज. जीनियस हो गया, एमिनेंट क्रिएटर्स और हाईली क्रिएटिव पर्संस आर यूज्ड सिनोनिमसली. तो डेलिजल एंड ब्रेंजली ने 1982 में पाया दैट नॉन इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स आर जस्ट एज इम्पॉर्टेंट फॉर क्रिएटिव प्रोडक्शन एज इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स आर. थ्री रिंग थ्योरी उन्होंने दी गिफ्टेडनेस की, जिसने कहा कि गिफ्टेडनेस इज द क्रॉस रोड्स, मतलब क्रॉस करते हैं सब आपस में आके कौन कौन, क्रिएटिविटी, आईक्यू जिसको कि एबिलिटी को ही आईक्यू कह दिया गया है, एंड टास्क कमिटमेंट. देखिए, टास्क कमिटमेंट तो आपका नॉन इंटेलेक्चुअल फैक्टर है, लेकिन वो भी उतना ही जरूरी है, विच मे बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन, कंसेंटियसनेस, डिटर्मिनेशन एंड पैशन. तो ये है थ्री रिंग मॉडल ऑफ क्रिएटिविटी, या आप कह सकते हैं कि थ्योरी ऑफ गिफ्टेडनेस ऑफ क्रिएटिविटी. तो इन्होंने कहा, ये थ्योरी हमको ये बताती है कि गिफ्टेड होने के लिए क्रिएटिविटी एक इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल कॉम्पोनेंट है, लेकिन सिर्फ क्रिएटिविटी ही जरूरी नहीं है गिफ्टेडनेस के लिए, उसके पास टास्क कमिटमेंट और वेल अबव एवरेज एबिलिटी भी होनी चाहिए. और उन्होंने ये भी कहा कि क्रिएटिविटी भी दो तरीके की है, स्कूल हाउस गिफ्टेडनेस और क्रिएटिव गिफ्टेडनेस, क्रिएटिव प्रोडक्शन गिफ्टेडनेस. और स्कूल हाउस गिफ्टेडनेस जिनके पास है वो सुपीरियर कंज्यूमर्स ऑफ नॉलेज है, जबकि जो क्रिएटिव प्रोडक्टिव जिनके पास क्रिएटिव प्रोडक्टिव गिफ्टेडनेस है वो सुपीरियर या एक्सीलेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ नॉलेज है. और दुनिया को, जमाने को, संसार को, इनोवेशन के लिए हमको प्रोड्यूसर्स ऑफ नॉलेज चाहिए, मतलब कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर है. तो ये एक थ्योरी, हम लोग ने अभी तक क्रिएटिविटी की थ्योरी नहीं पढ़ी थी, हमने क्रिएटिविटी के बारे में पढ़ा था, मेजरमेंट पढ़ा था क्रिएटिविटी का. तो ये थ्योरी है क्रिएटिविटी की, तो नया है टॉपिक. ओके, सो इन दिस वे आई होप सो दैट आपको ये अच्छी लगी होगी, नया लगा होगा, कुछ नयापन होगा इसमें आपके लिए. सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन.